नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्झायाणं नमो ईसु पंच नमो यारो सब पाव प्रणासन मंगलानं च सवेसु पढ़मं हवै मंगलं चत्तारि मंगलं अरहंत मंगलं सिद्ध मंगलं साहु मंगलं केवल पन्नतो धम्मो मंगलं चत्तारि लोगुत्तमा अरहंत लोगुत्तमा सिद्ध लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवल पन्नतो धम्मो लोगुत्तमा चत्तारि शरणं पव्वज्जामि अरहंत शरणं पव्वज्जामि सिद्ध शरणं पव्वज्जामि साहु शरणं पव्वज्जामि केवल पन्नतो धम्मो शरणं पव्वज्जामि। परम पूज्य पंच कल्याणक संपन्न उपसर्ग केवली तीर्थंकर केवली समुद्गात केवली तीर्थंकर पार्श्वनाथ स्वामी को बारंबार प्रणाम। शेष धर्म तीर्थ शासन नायक 23 तीर्थंकरों को भी प्रणाम। त्रिलोक त्रिकालवर्ती अरहत शुद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधु पंच परमेश्वरियों को भक्तिपूर्वक नमस्कार। द्वादशांग शुक देवता स्वरूपा भगवती जिनवाणी सरस्वती देवी माता के भावपूर्ण वंदन। पूर्व शताब्दी के धर्म धुरंधर आचार्य परम श्रद्धेय चरित्र चक्रवर्ती ज्ञानी ध्यानी तपस्वी शांति सागर मुनिराज नमस्ते। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमस्ते। प्रार्थना है प्रभु हमारी विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो सर्वदा अनमोल जग में सर्वदा अनमोल जग में प्राणियों के प्राण हो प्राणियों के प्राण हो। प्रार्थना है प्रभु हमारी प्रार्थना है प्रभु हम सरीखे अन्य प्राणी हम सरीखे अन्य प्राणी यह सभी को भान हो यह सभी को भान हो दया सबके हृदय में हो दया सबके हृदय में दुखितों का ध्यान हो दुखितों का ध्यान हो। प्रार्थना है प्रभु हमारी प्रार्थना है प्रभु हमारी मित्रता फैले परस्पर मित्रता फैले परस्पर सभ्य हर संतान हो सभ्य हर संतान हो भूख से रोए
करुणा दान हो, नित्य करुणा दान हो। प्रार्थना है प्रभु हमारी, प्रार्थना है प्रभु हमारी। स्वार्थ बिन सेवा करें हम, स्वार्थ बिन सेवा करें हम। ज्येष्ठ का सम्मान हो, ज्येष्ठ का सम्मान हो। प्रेम हो पशु पक्षियों पर, प्रेम हो पशु पक्षियों पर। शुद्ध भोजन पान हो, शुद्ध भोजन पान हो। प्रार्थना है प्रभु हमारी, प्रार्थना है। देश भक्ति जगे सभी में, देश भक्ति जगे सभी में। राष्ट्र का उत्थान हो, राष्ट्र का उत्थान हो। मूल संस्कृति जगमगाए, मूल संस्कृति जगमगाए। पाप का प्रस्थान हो, पाप का प्रस्थान हो। प्रार्थना है प्रभु हमारी, प्रार्थना है प्रभु हमारी। विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। सर्वदा अनमोल जग में, सर्वदा अनमोल जग में। प्राणियों के प्राण हो, प्राणियों के प्राण हो। प्रार्थना है प्रभु हमारी, प्रार्थना है प्रभु हमारी। तो हमने पार्श्वनाथ जिनेन्द्र के भवों का क्रम उनकी उस ब्राह्मण पर्याय से लेकर क्षत्रिय पर्याय तक सुना, जिसमें सबसे पहला उनका जो भाव था वो कमठ के भ्राता मरुभूति का भाव था। 10 भावों की कथा की अपेक्षा से, अन्यथा पहला भाव तो कोई होता ही नहीं है, सारे जीव अनादि हैं। कुछ जीव अनंत भी हैं भवों की अपेक्षा, अभव्य और अभव्य समान भव्य, ऐसे 2 प्रकार के जीव भवों की अपेक्षा से अनंत संसारी होते हैं। ऐसे आपने सुना होगा कि जीव 2 प्रकार के हैं, भव्य और अभव्य। जैसे उस जिस पत्थर में सोना पाया जाता है वो 2 प्रकार का होता है, एक स्वर्ण पाषाण, दूसरा अंध पाषाण। तो स्वर्ण पाषाण से तो स्वर्ण बाहर आ सकता है, लेकिन अंध पाषाण में स्वर्ण होता अवश्य है परंतु उसको निकाला नहीं जा सकता। तो जगत में ऐसे अनंत जीव हैं जो अभव्य हैं, और उनसे अनंतानंत गुणे भव्य जीव, अर्थात भव्य जीवों की राशि बहुत अधिक है अभव्यों की अपेक्षा। और एक विद्वान ने ऐसे उस राशि की अपेक्षा से विचार किया तो उन्होंने जो गणित जोड़ा तो सिद्धांत में कथन है कि मनुष्य कितने हैं, तो बोले पर्याप्तक मनुष्य, अर्थात जिन मनुष्यों में प्राण धारण करने की क्षमता है वे मनुष्य, चाहे भोग भूमि के हो, चाहे कुभोग भूमि के हो, चाहे म्लेच्छ खंड के हो, चाहे आर्य खंड के हो, चाहे विद्याधर लोक के हो, ये सारे मनुष्य कुल मिलाकर 29 अंक प्रमाण। अंक प्रमाण का अर्थ आप समझते हैं, 1 से 9 तक 1 अंक प्रमाण, 10 से 99 तक 2 अंक प्रमाण, फिर 100 से
999 तक 3 अंक प्रमाण संख्या होती है, तो ऐसे 29 अंक प्रमाण पूरे जगत के मनुष्यों की कुल गणना सर्वज्ञ भगवान ने अपने केवल ज्ञान से जानी और दिव्य ध्वनि से बताई। तो उन मनुष्यों में जब उन विद्वान ने, पंडित रतन लाल जी इंदौर वालों ने जो ऐसे गणना पर चर्चा चली, तो एक दिन उन्होंने चर्चा में ऐसा बताया कि अभव्य जीव संपूर्ण मनुष्य लोक में मात्र एक या दो होंगे, मनुष्य पर्याय में, बाकी त्रियंचारिक गतियों में है ही, वो तो अनंत ही है, देव पर्याय में भी अभव्य जीव है, नौवे ग्रहवेद तक के अभव्य जीव हैं, तो नीचे तो है ही है, जब इतने ऊपर तक अभव्य जीव है तो नीचे तो है ही है, पर मनुष्य लोक में कम है। अब उनमें से कोई मुनि भी बन सकते हैं, कोई अभव्य जीव मुनि भी बन सकते हैं, यदि उनकी वैसी पात्रता हो, द्रव्यता हो, बन सकते। तो उस अपेक्षा से अभव्य जीव जिनमें पात्रता ही नहीं होती सम्यक दर्शन उत्पन्न करने की, गुणों की अपेक्षा से भव्य और अभव्य में एक जैसे ही गुण होते हैं, लेकिन एक पारिणामिक भाव उनमें और इनमें अंतर डालता है, वो भाव है, उनमें भव्यत्व भाव है, इनमें अभव्यत्व है। भवितुं योग्य सम्यक दर्शन आदि पर्यायेण स भव्य, जो सम्यक दर्शन आदि रूप पर्याय को प्राप्त हो सकता है, सम्यक दर्शन आदि की पर्याय की अपेक्षा जो वहाँ जाने योग्य है, सम्यक दृष्टि बनने योग्य है और निर्वाण आदि प्राप्त करने योग्य है, उस जीव को भव्य जीव कहते हैं, योग्य है। फिर जिसमें वो योग्यता नहीं है, ना भव्य अभव्य, वो अभव्य जीव है। अब भव्य जीव के अनेक भेद, चार भेद बताए शास्त्र में, समाधि तंत्र की टीका में, प्रवचन सार की टीका में, जो भव्य जीवों के भेद हैं वो इस प्रकार है। प्रवचन सार की 62वीं गाथा में देखिएगा, टीका में आपको वर्णन मिलेगा। और एक तो समाधि तंत्र के मंगलाचरण में, तो वहाँ उन्होंने बताया कि भव्य कुछ ऐसे भव्य होते हैं जो गिनती के भवों में मोक्ष चले जाएंगे, उनको निकट भव्य कहते हैं। और निकट का एक पर्यायवाची शब्द है आसन्न भव्य, और आसन्न में प्रति उपसर्ग भी कहीं लगा दो तो प्रत्यासन्न भव्य, एक अर्थवाची, तीनों आसन्न प्रत्यासन्न निकट भव्य। फिर दूसरे भव्य वो हैं जो दूर भव्य हैं, जो अभी गिनती के भाव में मोक्ष नहीं जाने वाले, देर लगने वाली, हो सकता है अर्धपुद्गल परिवर्तन काल लग जाए। फिर तीसरे वो भव्य हैं दूरतर भव्य, जिनको अभी कई परिवर्तन करने हैं, परिवर्तन का पुद्गल परिवर्तन, द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव परिवर्तन है, पंच परिवर्तन, तो अभी उतना लंबा समय जिनका शेष है वो दूरतर भव्य हैं। और चौथे वो भव्य हैं जो अभव्य समान भव्य हैं। वो अभव्य समान भव्य कौन है? क्योंकि बाकी तीन भव्य तो कभी ना कभी संसार से पार होंगे,
लेकिन अभव्य समान भव्य जीव कभी भी संसार से पार नहीं होंगे, तो उसके विषय में, उनके विषय में ऐसा लिखा है। नित्य निगोद की परिभाषा में मूलाचार ग्रंथ में, घुमट सार ग्रंथ में, पंच संग्रह आदि अनेक ग्रंथों में, धवला आदि में ये गाथा आती है। अत्यनंता जीवा जेहिन पत्तो तसाण परिणाम भाव कलंक सुपौरा निगोद वासम न मंचन्ति। ऐसे अनंत जीव हैं जिन्होंने अनादिकाल से कभी त्रस पर्याय को प्राप्त नहीं किया और उनका भाव कलंक अर्थात उनके भावों की कलुषता इतनी अधिक है कि वो निगोद को कभी छोड़ नहीं सकते, बारंबार निगोद में जन्म धारण करेंगे। तो अनादिकाल से जो निगोद में थे और अनंत काल तक जो निगोद में ही रहने वाले हैं उनमें अभव्य जीव कम है, भव्य जीव अनंत गुणित है। अब इसका परिमाण अगर आप शास्त्रों में देखें तो आपको पता चलेगा कि एक निगोद शरीर में एगणियो निगोय शरीरे जीवा दव्व प्रमाण दो दिठा सिद्धि ही अनंत गुणा सव्येण वितीत कालीन। एक निगोद शरीर में जो जीव राशि है वो कितनी है, तो बोलते दव्व प्रमाण दो, जीव द्रव्यों को अगर अपन उस राशि में सम्मिलित करें, जीव के पर्यायों को छोड़ दो, जैसे अपन एक जीव द्रव्य, आप एक स्वतंत्र एक एक जीव द्रव्य, अपने आश्रित कई जीव हैं, तो एक जीव अगर अपन गिने एक को, तो सिद्धे ही अनंत गुणा वितीत काले, संपूर्ण अतीत काल संबंधी जितने सिद्ध हुए हैं उनसे अनंत गुणित जीव एक निगोद शरीर में है। और ऐसे निगोद शरीर इस लोक के प्रत्येक स्थल पर ठसाठस भरे हुए हैं। कुछ बादर निगोद है, कुछ सूक्ष्म निगोद है। बादर निगोद की विराधना होती है, सूक्ष्म निगोद अविराध्य है, वो न खुद किसी से टकराते हैं न कोई उनसे टकरा सकता, लेकिन बादर निगोद जीवों का घात होता है। तो ऐसे चार प्रकार के भव्य जीवों में अब देखिए कितनी दुर्लभता है, संसार से पार होना कितना मुश्किल है। अपन कितनी सरलता से बोल देते हैं कि अबे आत्मा परमात्मा बन सकती है, जैसे कि आप खुद बनने वाले हो तुरंत। अभी अपने भव्य और अभव्य का ठिकाना नहीं। अब ठीक है, शिखर जी की जिन्होंने वंदना कर ली तो वो तो निकट भव्य है, क्योंकि उसके लिए बताया कि उनचास भव, यही ना 49, उसको क्रॉस नहीं करेगा वो, उसके पहले ही संसार से पार लग जाएगा। चलो बहुत अच्छी बात है, एक सुकून की बात है, एक राहत की बात है। जब तक हमने दर्शन नहीं किए थे तब तक हमारे आंसू बहते थे कि पता नहीं क्या है अपना, फिर दर्शन किए शिखर जी के तो लगा कि चलो कुछ है तो सही, गिनती में तो है। अपन बहुत दुर्लभ मोक्ष, इसको अपन चर्चाओं में बहुत सुलभ बना देते हैं, लेकिन थोड़ी उसकी दुर्लभता का अपन अनुभव करें तो अपन प्रमाद से बचेंगे, क्योंकि सुलभ मानने से व्यक्ति मूल्यांकन नहीं करता। कोई महंगी चीज अगर सस्ते में मिल जाए तो फिर कैसा लगता है? जैसे आईफोन है, आपको कम रकम मिल जाए, जैसे जो लोग वहाँ कैलिफोर्निया में जो एप्पल कंपनी है और उसका सिस्टर कंसर्न वो आईओएस
सिस्टम है, वो मैक सिस्टम और आईओएस सिस्टम दोनों स्टीव जॉब्स के आविष्कार थे। स्टीव जॉब्स की भी अपनी एक अलग कहानी थी। तो उनको 25% डिस्काउंट मिलता है कंपनी वालों को अगर वो परचेज करते हैं। अगर किसी को एकदम मुंबई के चोर बाजार से, कानपुर के चोर बाजार से या कहीं से एकदम ही सस्ता मिल जाए तो फिर क्या होगा? पड़ा हुआ मिल जाए तो जो चीज़ सुलभता से प्राप्त होती है प्रायः करके सामान्य मनुष्य उसका मूल्यांकन नहीं कर पाता। इसलिए मोक्ष को दुर्लभतम समझना आवश्यक है। बोधि दुर्लभ अनुप्रेक्षा में जब रत्नत्रय को दुर्लभ बताया तो फिर रत्नत्रय से प्राप्त होने वाला जो मोक्ष है वो कितना दुर्लभ होगा, सोचो तो सही। जिसका कारण इतना दुर्लभ है उसका कार्य कितना दुर्लभ होगा, अत्यंत दुर्लभ। तो फिर वहां से वर्णन था मरुभूति, फिर हाथी की पर्याय वज्रघोष हाथी, फिर 12वें स्वर्ग में देव, फिर विदेह क्षेत्र में विद्याधर रश्मि वेग, और फिर हर बार उपसर्ग पूर्वक ही प्राणांत हो रहा है। फिर वज्र नाभि चक्रवर्ती के पर्याय, उसके उपरांत पंचम ग्रैवेक में अहमिंद्र पद, फिर अयोध्या नगरी में मंडलेश्वर राजा आनंद की पर्याय, फिर वहां पर एक आचार्य महाराज का नंदीश्वर पर्व में जो महापूजा का आयोजन हुआ था उस पूजा के दर्शन के निमित्त पदार्पण होना और उनके उपदेश को सुनकर उनसे कुछ प्रश्नोत्तर करके राजा की श्रद्धा का दृढ़ होना, और फिर राजा द्वारा सूर्य मंदिर का निर्माण। फिर राजा ने बहुत बड़ी बड़ी पूजाएं की मुनिराज के उपदेश के उपरांत, चतुर्मुख पूजा की, रथावर्त पूजा की, सर्वतोभद्र पूजा की और कल्पद्रुम पूजा की। जिस कल्पद्रुम का अर्थ कल्पवृक्ष होता है, कल्पवृक्ष से जो मांगो मिलता है, वैसे कल्पद्रुम पूजा के अंत में जो राजा कराते हैं उस पूजा को, उनसे याचक जो भी मांगता है राजा वो प्रदान कर देते हैं। जी कृष्णमूर्ति के मुख से हमने सुना था कि पहले ब्राह्मण परंपरा में एक पद्धति थी कि 5 वर्ष में उन्होंने जितना भी अर्जित किया है उसका उनको दान करना पड़ता था और फिर वापस एक नया जीवन शुरू करना होता था, और ये क्रम चलता रहता था। और इस क्रम का प्रभाव वो होता था कि वो अपनी संपदा पर आसक्त नहीं होते थे। आसक्त कब होंगे? जब अपने अंदर ये विश्वास होगा कि ये चीज़ हमारे पास जीवन भर रहेगी। आपको जीवन भर रखना नहीं, वहाँ शर्त है 5 साल में आपको निकालना है, तो फिर अब क्या करो? वो माया जाल नहीं रहता था। फिर बाद में बहुत सारे परिवर्तन आए, सर्वत्र परिवर्तन आए, संप्रदायों में मतभेद के साथ साथ मत द्वेष भी उत्पन्न हो गया, और मैं सही तुम गलत ये बात हर कदम पर दिखने लगी। लेकिन अभी अपन कितना जानते हैं, सत्य अनंत है, और अपन जितना जानते हैं वो उसका अनंत व अंश, तो अभिमान किसका करो? फिर राजा आनंद समुद्रगुप्त मुनिराज से दीक्षित होते हैं, उनके ही श्री चरणों में 16 कारण भावनाएं गाते हैं। ये नियम है, 16 कारण भावना बहाने से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, लेकिन कुछ और भी उसके साथ में होना अनिवार्य है, उसके बिना नहीं। वो क्या है? पढ़मुव सम्मे सम्मे शेषती अविरदादिचत्तारी
तिथैर बंध पारम भयानरा केवल दुगंते। प्रथमोक्षम सम्यक के साथ भी तीर्थंकर प्रकृति बनती है, क्षयोक्षमिक सम्यक के साथ भी तीर्थंकर प्रकृति बनती है, क्षयिक सम्यक के साथ भी बनती है, द्वितीयोक्षम के साथ भी बनती है, लेकिन कहाँ बनती है? अविरदादि चत्तारी प्रारंभ है, शुरुआत जो होती है वो चौथे पांचवें छठे और सातवें गुणस्थान में होती है, समापन आठवें गुणस्थान के छठे भाग में होता है। कहाँ होता है? होता तो सोलह कारण भावनाओं से, पर सोलह कारण भावनाएं मुनिराज करते हैं, श्रावक नहीं कर सकते, और जिनके पास अणुव्रत भी नहीं है वो भी नहीं कर सकते। राजा श्रेणिक ने सोलह कारण भावनाएं नहीं भाई थी, क्यों? शक्ति तो त्याग तपस्या, वहां त्याग और तप तो था ही नहीं श्रेणिक राजा के पास, और शील व्रतेश्वनति चार, शील और व्रतों में अतिचार नहीं लगाना, तो उनके पास शील और व्रत थे ही नहीं। तो ये भूमिका ऊपर बनती है, सर्वत्र नहीं होती, पर अगर दर्शन विशुद्धि है, विनय संपन्नता है, तो व्यस्तम वा समस्तम वा, शास्त्रों में लिखा है कि तीर्थंकर प्रकृति समस्तम यानी पूरी सोलह कारण भावनाओं से भी बंधती है, और व्यस्तम वा, कुछ सोलह में से कुछ भावनाएं होंगी और आपके अंदर उतनी पवित्रता होगी तो भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है। जैसे श्री कृष्ण जी को हुआ, श्रेणिक राजा को हुआ, अनेकों को हुआ, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, पर उसकी जो शर्त है वो ये है केवली दुगंते। धवल ग्रंथ में उसके अर्थ के अंतर्गत बताया कि या तो तीर्थंकर के सानिध्य में आप सोलह कारण भावना भाव, या फिर कोई और केवली के सानिध्य में आप सोलह कारण भावना भालो, या फिर तीसरा विकल्प दे दिया, श्रुत केवली के सानिध्य में भी आप भा सकते हैं सोलह कारण भावना, तब भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि श्री कृष्ण जैसे क्षायोक्षमिक सम्यक दृष्टि में तीर्थंकर प्रकृति का बंध बांध लिया, लेकिन कई क्षायिक सम्यक दृष्टि नहीं बंध पाए, क्योंकि क्षायिक सम्यक दृष्टि विशुद्धि की अपेक्षा से बहुत उत्कृष्ट होते हैं, लेकिन उनको नहीं हुआ। तो एक विशिष्ट श्रेणी के भाव होते हैं तीर्थंकर प्रकृति को बांधने वाले। अब उन भावों में एक प्रधान भाव ऐसा है, क्षेमं सर्व प्रजानां, सब जीव सुखी हैं, वो उनके अंदर से तीव्र भावना होती है कि जगत के सारे प्राणी सुखी हैं, और वो इतनी प्रबल भावना होती है वो, कि वो भावना सामान्य मुंह से कहने वालों में नहीं हो सकती। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे, बोलने से काम नहीं होता। और उसमें धवल ग्रंथ में तो कुछ और भी बातें बताई है तीर्थंकर प्रकृति के लिए, कि जो आचार्य प्रासुक परित्याग करते हैं, अर्थात रत्नत्रय की दीक्षा प्रदान करते हैं, यदि दर्शन विशुद्धि विनय संपन्नता आदि भावनाओं के साथ वो अगर दीक्षा प्रदान करें और उनके साथ उनको कोई केवली या श्रुत केवली का सानिध्य प्राप्त हो, तो वो आचार्य भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सकते हैं, ऐसा लिखा। और फिर एक तो ऐसा भी लिखा हुआ है कि जो लव न्यूनतम, एक लव में अपने से जो दोष हुआ है उसको पहचान ले कि अरे मेरे से ये गलती हुई, और लव 37 सेकंड्स का होता है, यानी कोई भी गलती हो जाए
जो 37 सेकंड्स में पहचान लेते हैं कि मेरे से गलती हो गई, और अधिकतम 4 मिनट, 4 मिनट क्रॉस नहीं करेंगे वो। जो तीर्थंकर बनने वाले जीव हैं उनकी बात कर रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि 1 घंटे बाद उनको पता चले कि मेरे से गलती हुई, कभी नहीं। यदि तीर्थंकर बनने वाला कोई जीव है तो 4 मिनट से ऊपर उनको समय नहीं लगेगा, और वो कब? तीर्थंकर पर्याय में नहीं, उससे पहले। तो फिर आनंद राजा ने तीर्थंकर प्रकृति का बंध बांधा मुनि दीक्षा लेकर, और फिर अनंत स्वर्ग में 20 सागर की आयु का इंद्रपद प्राप्त किया, और फिर यहाँ आकर तीर्थंकर पर्याय को प्राप्त किया। तीर्थंकर पर्याय में जो घटनाक्रम हुए उसका चित्रण आपने कथा में सुना, और जब उपसर्ग हुआ तब क्या हुआ उसका चित्रण भी आपने सुना। लेकिन उस चित्रण में कुछ और भी वक्तव्य शेष है, कुछ महत्व की बात और भी बताने की है। वो ये है कि पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर जो फणा पाए जाते हैं वर्तमान में इस भरत क्षेत्र में, वो फणा 2 प्रकार के हैं, गिनती की अपेक्षा से नहीं, वो जो नाग के मुख हैं उनकी अपेक्षा से 2 प्रकार के फणा हैं। तो बंद मुख वाले फणा भी मिलेंगे आपको, और व्याप्त वक्त्रई ही यहाँ पर लिखा हुआ है भगवत जिनसेन आचार्य महाराज ने, खुले हुए मुख वाले भी फणा मिलेंगे आपको। तो कहीं आप देखिएगा पार्श्वनाथ भगवान, अब आपका ध्यान जाएगा वहाँ पर। अभी तक हो सकता है, संभव है आपने ध्यान ही ना दिया हो, लेकिन अब आप ध्यान देना, भगवान पार्श्वनाथ को 2 प्रकार के फणा मिलेंगे, और वो जो 2 प्रकार के फणा हैं वो क्यों हैं ये अपने को जानना आवश्यक है। तो उस विषय में लिखा है, पार्श्वाभ्युदय नाम का ग्रंथ है जिसके रचनाकार भगवत जिनसेन आचार्य की स्तुति हरिवंश पुराण के मंगलाचरण में जिनसेन आचार्य महाराज ने की, वो दूसरे जिनसेन आचार्य, उन्होंने पार्श्वाभ्युदय के रचनाकार की स्तुति की। अर्थात ये पार्श्वाभ्युदय हरिवंश पुराण से भी पुराना ग्रंथ है। इस ग्रंथ के 4th सर्ग में पार्श्वनाथ भगवान के उपसर्ग का वर्णन करते समय, जब वो पराकाष्ठा की स्थिति आ जाती है और अंततः वो कमट का जीव भगवान के ऊपर एक पहाड़ फेंकता है, तो वो काव्य ये है, यस्मिन काले समझनि मुनेः केवल ज्ञान संपर यस्मिन् दैत्यो गिरिमुदहरन मूर्ध्नि चिक्षेपुरस्य तत्कालं सा शरदुदभवत् वक्तुकामेति वोच्चैः शापान्तो मे भुजगशयना दुत्थिते शांगपाणो। जिनसेन आचार्य कहते हैं कि जिस काल में भगवान को केवल ज्ञान हुआ उस काल में उपसर्ग निवारण हुआ, वो पहाड़ उसने जैसे ही फेंका वैसे ही धर्णेन्द्र ने फणा मंडप तान लिया और पद्मावती ने ऊपर से छत करके उसने उनको पानी से ऊपर निकाल लिया, अपने फणा पर लेकर के जो नीचे पानी भर गया था वहाँ से भगवान को ऊपर उठा लिया। केवल ज्ञान संपत्त, जैसे ही उनको केवल ज्ञान हुआ तो ये सारा जो कुछ भी एक घटनाक्रम हुआ था, जो भी दृश्य बना था, वो सब
विलय को प्राप्त हो गया और भगवान 5000 धनुष ऊपर चले गए भूमि से। और जब तक 12वें गुण स्थान में थे भगवान, यानी मुनि थी, मुनि अवस्था जब तक थी, तब तक वो पद्मावती की फणा के ऊपर थे और उनके ऊपर धर्णेंद्र का फणा था और धर्णेंद्र के फणा के ऊपर पद्मावती माता ने एक डायमंड का छत्र, वज्र का छत्र तान लिया था, बड़ा छत्र था वो। तो ये दृश्य अपन ने संस्कृत में पढ़ा था, लेकिन जैसे ही केवल ज्ञान हुआ तो ये सारा दृश्य विलय को प्राप्त हो गया और भगवान 5000 धनुष ऊपर आ गए और इंद्रादि देवों को संकेत मिल गए कि उनको केवल ज्ञान हो गया, उनके आसन कंपित हो गए और वहाँ आकर समवसरण की रचना हो गई। अब वो जो कमट दैत्य था, जो शंबर ज्योतिषी देव थे, वो घबरा गया, मैं जिसको मारना चाहता था तो मेरा शत्रु तो बहुत बड़ा आदमी निकला, लेकिन वो जैसे घबरा कर वहां से पलायन कर रहा था, भाग रहा था, धर्णेन्द्र ने उसको रोका, रुक भाग मत। और धर्णेन्द्र ने उसको अभय देने के लिए जिनेन्द्र भगवान से हाथ जोड़ करके प्रार्थना की कि भगवान इस अज्ञानी को, इस दुष्ट को क्षमा कीजिए। वो तो क्षमा कर ही चुके थे, लेकिन इसको निर्भय बनाने के लिए वो भगवान से प्रार्थना कर, उसको डर था ना कि अब पता नहीं क्या होगा मेरा। तो फिर ये सब हुआ तो वो धीरे धीरे ऐसे रुक करके हाथ जोड़ कर सम्मुख आया और फिर जब वो नतमस्तक हो गया, देखो जो भवांतरों का शत्रु है, कितने जन्म पुराना शत्रु है, जल्दी से उत्तर दे दिया आपने, 10 जन्म तो मरुभूति के थे, कमट के तो अधिक भव हो गए थे ना, निश्चित रूप से अधिक भव हो गए थे। तो उतने जन्मों का शत्रु भगवान की क्षमा के आगे नतमस्तक हो गया। अब तो खैर केवली हो गया भगवान, क्षमा की भूमिका तो बहुत नीचे थी, तो उससे बहुत ऊपर उठ चुके हैं। हाथ जोड़ करके वो अपना सिर झुका लेता है, लज्जित होता है अपनी दुश्चेष्टा पर। अंततः सबकी यही स्थिति होगी, एक दिन जब आंखों से वो आंसू निकलेंगे जो अपने ही द्वारा किए गए अनर्थों के पश्चाताप के आंसू होंगे, तब अपना कल्याण प्रारंभ होगा। जब तक अपने दुष्कर्मों पर प्राणी को पश्चाताप नहीं होता, तब तक उसका हृदय पवित्र नहीं होगा। तो ये एक काव्य था कि केवल ज्ञान हो चुका भगवान को, उसके पहले जो फणा बने थे धर्णेंद्र के, वो बंद मुख वाले थे। अब बाद में जो हुआ आपको अनुमान तो लग गया, लेकिन उसका वर्णन सुनने योग्य है, अद्भुत वर्णन। तब जब वो वैरी भक्त बन गया, धर्णेंद्र को अपार प्रसन्नता हुई और धर्णेंद्र ने तब भगवान की स्तुति की, बड़ी भव्य स्तुति। अभी तो इंद्रादिक देव तो आ रहे हैं क्रम से, समोसरण की रचना वगैरह सब हो रही है, तो इस बीच ये सारी घटनाएं चल रही हैं। तो भगवत जिनसेन आचार्य महाराज लिखते हैं, अभी जो अपन ने काव्य पढ़ा था वो काव्य 46वां काव्य था, पार्श्वाभ्युदय के चतुर्थ सर्ग का 46वां काव्य था, जहां भगवान केवली बन चुके हैं, पार्श्वनाथ स्वामी केवली बन चुके हैं। अब यहां पर 58वें काव्य में
वो धर्णेन्द्र अपनी स्तुति पूर्ण कर रहे हैं और पूर्ण करते करते क्या करता है देखिए, स्तुत्यन्तेसो व्यरचय देव छत्रमुच्चै प्रणालिम भर्तुर्भक्त्या दधदधिशिरः स्वामवितत्य प्रमोदात् व्याप्तैर्वक्त्रैर् ध्रुवमिति मुनिम् वक्तुकामस्तदानी कच्चित् सौम्य व्यवसितमिदं बंधुकृत्यन्त्वया मे। बहुत ही सुंदर संस्कृत भाषा को तो जिनसेन आचार्य महाराज ने अलंकृत किया। विद्वानों का ऐसा मत है कि संस्कृत भाषा तो थी, बहुत पुरानी भाषा थी, लेकिन जिनसेन आचार्य महाराज ने उस संस्कृत भाषा को और सुंदर बना दिया। तो उनकी बुद्धि कितनी सुंदर रही होगी इसका कल अनुमान लगाइए। तो कहते हैं स्तुत्यन्ते, जब स्तुति समाप्ति पर आई तब असौ वह धर्णेन्द्र भक्त्या, उस धर्णेन्द्र ने भक्ति पूर्वक भर्तुः अधिशिरः, भर्ता अर्थात पार्श्वनाथ भगवान के लिए अधिशिरः उनके सिर के निकट, भगवान पार्श्वनाथ भगवान केवली होकर के विराजमान है वहाँ पर ऊपर, तो उनके सिर पर छत्रम इव, छत्र के समान उच्चै प्रणालिम व्यरचयत दधत, उसने भगवान के सिर के ऊपर, वो तीन छत्र की बात अलग है, वो तो प्रातिहार्य है, वो सब अभी प्रक्रिया में है, लेकिन धर्णेन्द्र ने क्या किया, केवली भगवान के सिर के ऊपर उच्चैः फणानिम, ऊंचे फणों की पंक्तियां ऐसे रच डाली। बीजापुर में सहस्त्र फणी पार्श्वनाथ भगवान है। अब अपन नहीं जानते कि धर्णेन्द्र ने हजार फण बनाए या लाखों फण बनाए, क्योंकि वो तो ओरिजिनल धर्णेन्द्र था, यहाँ तो प्रतिमाएं हैं, वो तो मूल भगवान 5000 धनुष ऊपर विराजमान है और उनके ऊपर वो फणा बना रहा है धर्णेन्द्र। तो जिनकी ये मान्यता है कि फणा वाली प्रतिमा केवली भगवान की नहीं हो सकती, वो तो मुनि अवस्था की है, वो अपने ज्ञान में संशोधन कर ले, क्योंकि पंचम काल का ज्ञान है और ये आगम जिनेन्द्र भगवान के वचन, इन पर अगर श्रद्धा हो तो अपनी धारणा को थोड़ा सा मार्जित कर, कौन सी बड़ी बात, अपन छोटे हो जाएंगे, नहीं मार्जित करने से छोटे हो जाएंगे। स्वाम वितत्य प्रमोदात, अपने आप को धर्णेन्द्र ने विस्तृत करके ऐसे फणों की पंक्ति बना ली, और प्रमोदात हर्ष पूर्वक व्याप्तैर वक्त्रैः, जब वो फणाओं की पंक्ति बनाई तो ऐसे मुख खोल लिए, सारे जितने सर्प थे उसमें, जितने मुख थे वो मुख खोल लिए, और खोल कर द्रौमित मुनि वक्तु कामस्तदानी, उस समय वो उन मुनि महाराज, उन केवली भगवान के लिए, मुनि शब्द केवली का वाचक भी होता है, उनके लिए ये कहना चाह रहा था। वो क्या कहना चाह रहा था, कच्चित सौम्य व्यवसित मदिम बंधु कृत्यम त्वया मे, आपने हमें उस समय हमारी त्रियंश पर्याय में उद्बोधन दिया, महामंत्र सुनाया और हमें देव पर्याय प्राप्त हुई, तो हम आपके आभारी हैं कि आपने हमें उपसर्ग निवारण का अवसर प्रदान किया। वो खुले हुए मुख इसलिए हैं
क्योंकि धर्णेन्द्र अपने उन मुखों से, एक साथ अनेक मुखों से क्या कह रहा है कि हे प्रभु, हम आभारी हैं कि हमें आपने अवसर दिया उपसर्ग निवारण का। कितनी सुंदर बातें शास्त्रों में भरी पड़ी है। तो अपन अपनी अपनी बुद्धि को छोटा ना बनाए, अपने हृदय को भी बड़ा बनाए और ज्ञान को भी विस्तृत करें और ये स्वीकार करें कि जो फणा होते हैं भगवान के सिर पर, प्रतिमा पर, वो अनुचित नहीं है। और इसमें ये नहीं लिखा है कि धर्मेंद्र ने कब तक फणा बनाया। उसने वो फणा बना करके रखा या फिर फणाओं को समेट लिया, इसका कथन यहां पर नहीं है। तो इसमें फिर संभावना का क्षेत्र उपस्थित होता है, यानी ऐसी संभावना बनती है कि जब संपूर्ण समवसरण की रचना भी हो गई हो तब भी धर्मेंद्र ने भक्तिवश, यहां लिखा ना भक्तुर भर्त्या, भर्तुर भक्त्या, ये लिखा ना भक्तिपूर्वक धर्मेंद्र ने फणा बनाए रखा हो। अब इसमें संवाद विवाद हो सकते हैं, हमें कोई आग्रह नहीं है, लेकिन एक संभावना के तौर पर हमने अपने बात आपके सामने रखी है कि एक शक्यता है, क्योंकि ये तो प्रमाणित हो गया कि केवल ज्ञान के बाद भी फणा बना था, इसमें तो कोई संदेह नहीं रहा। ये तो पूरे स्पष्ट आगम वचन है, आप देख लीजिए उसमें। और अगर आप ये कहो कि नहीं हम इसको आगम नहीं मानते, ये तो एक काव्य है, तो क्या काव्य आगम नहीं हो सकता? ऐसा नियम कहाँ है, किसने बनाया कि काव्य आगम नहीं हो सकता? और पार्श्वनाथ भगवान की जिसमें कथा चल रही है उसको क्या मानोगे? उसको आगम नहीं मानोगे तो क्या मानोगे? उपन्यास? कदापि नहीं। और भगवत जिनसेन आचार्य महाराज लिख रहे हैं, इतने महान आचार्य परमेश्वर जिन्होंने जन्म से कपड़े नहीं पहने, और जो वीरसेन आचार्य जैसे महान गुरु के शिष्य थे वो लिख रहे हैं, कोई स्थान नहीं रह जाता सम्यक दृष्टियों को शंका करने का। और जिनको करना है कौन रोक सकता है? सब द्रव्य स्वतंत्र है, क्या करो। और सम्यक दृष्टि भी स्वेच्छा से स्वीकार कर रहा है, वो परतंत्र होकर के नहीं स्वीकार कर रहा है। उसको जिनवाणी के प्रति इतना विश्वास है कि इसका एक अक्षर भी मिथ्या नहीं है, इतना विश्वास है। इसलिए जानकारी की बात थी, आज कथा पूर्ण हो गई, ये समाधान और शेष रह गया था। तो अब कभी भी फणा को देखकर संकल्प विकल्प करने का कोई, श्रद्धालु के अंदर कोई अवसर नहीं आ सकता। जय नम जय शास्त्र। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्ध वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में मां विनम्र धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा, बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको, और मैं पा जाऊं मां मोक्ष महासुख को।